हाय, दिस इज डॉक्टर सरिता, माय डॉक्टर पे आपका स्वागत करती हूँ। आपका माउथ अल्सर होने का अगर मेन कारण देखा जाए ना, तो वो कारण है विटामिन्स और हमारे जो बी कॉम्प्लेक्स, बी विटामिन्स की और सी विटामिन्स की कमी हमारे आहार में होना। तो हमारे इतना ध्यान रखिए कि हमारे आहार में कहीं उसकी कमी तो नहीं है। दूसरा कारण है क्लीनलीनेस, अगर हम साफ नहीं रखते हैं, हम सोते समय हमारा मुंह अच्छे से धोते नहीं है, ब्रश नहीं करते, इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से भी होता है। तीसरा कारण है एक्सीडेंट्स, यानी अगर कुछ खाते खाते समय अगर हमारा कट जाता है, छिल जाता है, या फिर ब्रश, जो हम ब्रश यूज करते हैं उसके ब्रिजल्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही हार्ड होंगे, या फिर जोर जोर से करते होंगे, किसी भी तरह से अगर वहाँ पे कोई इंजुरीज होती है तब भी इन्फेक्शन होता है और अल्सर्स होते हैं। ये है उसके कारण। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे हमें ये बार बार की तकलीफ ना हो। अभी मैं आपको उस होम्योपैथी मेडिसिन का नाम बताऊंगी और उसको कैसे लेना है और कब तक लेना है वो पूरी जानकारी दूंगी। सबसे पहली मेडिसिन है बोरेक्स 30 पोटेंसी में आपको उसको खरीदना है। उसकी आपको पिल्स फॉर्म में लेनी है, यानी दवाई गोलियों के फॉर्म में लेनी है। उसको आपको दिन में 4 बार, जब अगर आपको बहुत अल्सर हुआ है तो आपको वो गोलियां दिन में 4 बार लेनी है। और दूसरी मेडिसिन है मर्क सॉल 200, उसको आपको दिन में 3 बार लेना है। अगर वहां पर जहां पे भी छाले हैं वहां पर अगर पस फॉर्म हुआ है, यानी मवाद अगर कहीं पे दिखाई दे, तो आपको मर्क सॉल उसके साथ साथ लेना है। तो दोनों दवाइयों को आपको लेना है और दिन में उसको 4 बार लेना है, उसको इसको 3 बार लेना है, और दोनों के बीच में 20 मिनट का अंतर रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको रिकरेंटली यानी बार बार ये सब हो रहा है, तो आप एक महीना उसका पूरा कोर्स कर लेंगे, तो ये समस्या है जो समस्या हमेशा के लिए वो जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके लिए आप उसका कोर्स पूरा ही कर दीजिए तो बेहतर रहेगा। अब आज की टिप, अगर आपको अपने छाले में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है, जलन महसूस हो रही है, दर्द हो रहा है, तो आप क्या करें, अगर कोई भी दवाई आपके पास नहीं है तो आप अचानक क्या करेंगे, घर में बेकिंग सोडा होगा, बेकिंग सोडा लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसकी पेस्ट बना दीजिए और जहां पर भी वो छाले हैं वहां पर लगा दीजिए। उससे सूजन भी चली जाएगी और दर्द भी चला जाएगा और वहां का जो जलन है और रेडनेस है वो भी चली जाएगी।